बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मीट कढ़ाई। मोस्ट हमने चीज़ के ऊपर रख दिया है, प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये 3 अदद ये चाय के चम्मच मिर्ची है। ये थोम अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी का ऐड कर देंगे। एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 घंटा रख देंगे कि ये पानी भी अच्छे तरीके से इसका खुश्क हो जाए और गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटर हम काट लेंगे। टमाटर हमने काट लिया है, अब इसको हम ऐड कर देंगे। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे बंद कर देंगे। 1.5 घंटे तक में चलाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, अच्छे तरीके से गल जाएगा। हल्की आँच पे हमने रखा हुआ है। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हमने घी ऐड नहीं किया क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, इसमें पहले से घी होता है, बहुत ऑयली होता है। धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। थोड़ा सा गर्म मसाला भी ऐड करेंगे, जीरा और काली मिर्ची। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा बना है और अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमने चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखो फिर भी जो आप हांडी में सालन बनाएंगे ये फिर भी 5 मिनट के लिए पकता रहेगा सालन। माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।